सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं, पूर्व के भाग में हमने गुफा संख्या 17 का अध्ययन किया एवं इसके प्रमुख चित्रों में वेश्यांतर जातक, महाकपि जातक, हंस जातक इत्यादि चित्रों का विस्तार से अध्ययन किया। आज हम अजंता की गुफा संख्या 17 के चित्रों में मृग जातक का अध्ययन करेंगे, क्योंकि जैसे कि जातक से पता लगता है कि यह भी एक जातक कथा है और भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाओं में शामिल है और इसका नाम है मृग जातक। अर्थात भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्मों में किसी एक जन्म में हिरण के रूप में जन्म लेते हैं और वह हिरण एक सुनहरा सोने का हिरण होता है और वो कुछ ऐसा महान कार्य, एक पुण्य कार्य करते हैं जिसकी बदौलत वो फंस जाते हैं, लेकिन बाद में अपने विद्वतापूर्ण दिए गए राजा को उपदेशों के बदौलत वह अपनी महानतम ख्याति प्राप्त करते हैं। तो चलिए इस कथानक को पढ़ते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रित अनेक जातक कथाओं में से एक मृग जातक का भी वर्णन आता है। इस कथानक के अनुसार एक बार भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में सुनहरे हिरण के रूप में जन्म लेते हैं और यह हिरण बहुत ही खूबसूरत, दयालु और साहसी था। जब एक दिन इस सुनहरे हिरण ने अपनी कृपा दृष्टि एक डूबते हुए व्यक्ति पर डाली, अर्थात इस हिरण ने एक डूबते हुए कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा था और उस व्यक्ति को इस हिरण ने बचाया एवं साथ ही इस हिरण ने उस व्यक्ति से यह भी वचन लिया कि इस घटना के बारे में वह संसार में अन्य किसी से जिक्र ना करे। अर्थात वह ये न बताए कि किसी सुनहरे सोने के हिरण ने मुझे बताया और यहाँ पर इस नगरी में कोई सुनहरा हिरण भी होता है। अर्थात यदि यह बात किसी और को पता चलती है, राजमहल में राजा को अगर पता चलती है, तो राजा तुरंत उस सुनहरे हिरण को अपने दरबार में बुलाएगा। इसलिए अपना बचाव करते हुए इस हिरण ने उस व्यक्ति से यह वचन लिया। लेकिन फिर भी एक दिन वहाँ की रानी, जिसका नाम है खेमा, उसने अपने सपने में उस सुनहरे हिरण को देखा और उसे लगा कि वास्तव में कोई सुनहरा हिरण होगा, तो उसने उस सुनहरे हिरण की तलाश शुरू करवा दी। उसने अपने सिपाहियों को कहा कि ऐसा कोई सुनहरा हिरण अपनी नगरी में है तो उसको खोजा जाए, और यह कार्य राजा को सौंप दिया गया। राजा ने रानी की बात मान करके उस हिरण को तलाशने के लिए काफ़ी व्यक्तियों को भेजा। उस मृग को ढूंढकर बताने वाले व्यक्ति के लिए राजा ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के लिए रखी। अर्थात जो भी कोई हिरण को लेकर आएगा उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। ऐसा सुनकर जब उस व्यक्ति को पता चला जिसको हिरण ने बचाया था, उस व्यक्ति में लोभ लालच आ गया और उसने सोचा कि क्यों न सुनहरे हिरण का पता बता दिया जाए और 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली जाए। ऐसा सोचकर उसने राजा को यह सब कुछ बता दिया। तत्पश्चात राजा मृग के पास जाता है और उस मृग को मारने वाला होता है, लेकिन मृग ने कुछ ऐसे प्रभावपूर्ण शब्द कहे, ऐसी कुछ विद्वतापूर्ण बातें कही कि जिसे सुनकर राजा
हिरण से प्रभावित हो गया और उसने उस सुनहरे हिरण को सहसम्मान अपने रथ पर बैठा कर वह उसे अपने राजमहल ले गया। इस प्रकार से यह कथानक है, यह चित्र है। अब हम अगला चित्र पढ़ेंगे, राहुल समर्पण का। यह जो चित्र है अजंता की गुफा संख्या 17 में सबसे श्रेष्ठ चित्रों में माना जाता है और यह भगवान बुद्ध की वास्तविक जीवन पर आधारित चित्रों में शामिल है। इस चित्र में क्या है कि भगवान बुद्ध जब तपस्या या सिद्धि प्राप्त करके लौटते हैं तो वे अपनी नगरी में कपिल वस्तु आते हैं और वहां अपने महल के दरवाजे पर खड़े होते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं। यह चित्र भगवान बुद्ध द्वारा अपनी पत्नी यशोधरा से भिक्षा मांगने का है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक भिक्षु एक विशाल आकृति में खड़ा है और भिक्षु के सिर पर काले बालों का एक जूड़ा भी बंधा है। ये भगवान बुद्ध ही है क्योंकि इनके सिर के पीछे एक प्रभा मंडल भी बना है और प्रभा मंडल केवल उन्हीं महान व्यक्तियों के पीछे बना होता है जो सिद्धि प्राप्त होते हैं या देवी देवताओं के सर के पीछे बना होता है। यह सूर्य पुंज होता है, यह एक आभा एक चमक होती है जो उन्हें और भी प्रभावपूर्ण बनाती है। तो ये भगवान बुद्ध ही है जो साधु वेश में महल के सामने दरवाजे पे खड़े हैं। अन्य आकृतियों में भगवान बुद्ध की पत्नी जिसका नाम है यशोधरा, वो अपने पुत्र राहुल के साथ, अर्थात राहुल भगवान बुद्ध का पुत्र है, और वह उस पुत्र के साथ में खड़ी है दरवाजे पर और भिक्षा देने के लिए यशोधरा के पास कुछ भी नहीं है। अब वह विचलित हो रही है कि वह असमंजस की स्थिति में है कि वह अपने पति जो भिक्षा के रूप में मांग रहे, जो स्वयं ही पूरे विश्व के ऊपर इतने महानतम धर्म को फैलाने वाले हैं, जो स्वयं ही इतने महान है, जिसके पास स्वयं के पास ही इतना बड़ा साम्राज्य था, जो उसे छोड़ करके चले गए थे और वापस लौट आए हैं भिक्षा मांगने के लिए, अब मैं उनको भिक्षा में क्या दूँ? अगर मैं उनको कुछ छोटा मोटा कुछ देती हूँ या कुछ बहुत बड़ा उपहार भी देती हूँ तो भी उनको छोटा ही लगेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न अपना पुत्र राहुल ही इनको भिक्षा में दे दिया जाए, क्योंकि यशोधरा राहुल को अपना सब कुछ मानती है और वह राहुल को बुद्ध को दान कर देती है। इस चित्र में बुद्ध को विश्व के कल्याणकर्ता के रूप में वृहद रूप में चित्रित किया गया है और यशोधरा के नेत्रों में त्याग का भाव और राहुल के मुख पर अबोधता का भाव बखूबी दर्शाया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, भगवान बुद्ध विशाल आकृति में है और विश्व कल्याणकर्ता के रूप में इनको दर्शाया गया है। इनके चेहरे पर भी आध्यात्मिकता के भाव देख सकते हैं और जो यशोधरा है, क्योंकि त्याग के भाव दर्शित है, क्योंकि यह त्याग कर रही है अपने पुत्र का जो सर्वस्व है इसके लिए, और जो पुत्र है राहुल जो कि छोटा बालक है, तो इसके चेहरे पर अबोध बालक के जो भाव है वो झलकते हैं। इस प्रकार से यह जो चित्र है पूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुफा संख्या 2 के बारे में, गुफा संख्या 2 के प्रमुख चित्रों के बारे में। धन्यवाद।